بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آمنت بالله صدق الله सुखन कमली वाले सुनाए एक दिन मलक दो मेरे पास आए एक पूछे कौन दूजा बताए ए अल्लाह दा प्यारा मुहम्मद सदाए दोहां ने उठे तराजू मंगाया मैनू पकड़ एक छाबे विच पाया दूजे पास होर के बंदा बिठा के जदो तो लिया सी तराजू उठा के मेरा पासा लगा जमीन जाके ता फिर दो लिया दस बंदे बिठा के मेरा पासा फिर भी जमीन तो न हिले तभी बंदे पाए ओना दूज पल्ले विहाना लो होया उठे मैं भारा ते सोनाल कीता चा फिर ओ नहाड़ा वे सोने भी खादा उता जा हुलारा सोने भी खादा उता जा हुलारा मेरा पास बारा मेरा पास बारा ता एक पास उन सारी दुनिया च सुटी फिर भी उता मेरी तकड़ी ना उठी ता एक पास उन सारी दुनिया च सुटी फिर भी उता मेरी तकड़ी ना उठी ओए खाल कौन वल्लों ते उच्चार माने पर मखलूक अंदर मुहम्मद शाने खाल कौन वल्लों ते उच्चार माने पर मखलूक अंदर मुहम्मद दशाने एक पास होवे जे सारा जहाने सत्ते जमीना सत्ते आसमाने एक पास होवे जे सारा जहाने सत्ते जमीना सत्ते आसमाने फिर भी मुहम्मद दा है शान आला सोना कमले वाला सोना कमले वाला हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बढ़ाई वहदाई यकताई
अल्लाह रब العالمین दी बाबरकत जात वास्ते खास अनगिनत ला तादाद रुदो सलाम सैयद कौनैन इमामुल हरमैन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना आमिना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शर्फो कमाल जगह दे पीर बद्रे मुनीर रब दे हबीब खातमुन नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ते होण। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गो काबिल एहतराम इज्जत दिलाए इस्लामी रूहानी पर्दा नशीं मेरी माओ और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है जे सल्ला मालिक ने दुनिया दी भीड़ अंदरों निकाल के अपने पाक और मुकद्दस घर अंदर जमा हो के अपने वक्त नूं कीमती बनाउण दी तौफीक नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह ताला साडा आना बैठना कुरान और हदीस की गुफ्तगु सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह साड़ियाँ कमियाँ कुताहियाँ कमजोरियाँ गलतियाँ खतावा अपनी रहमत देना मुआफ फरमाए। कुरान मजीद अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का जिक्र फरमाए कि ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा तुहानू यतीम पैदा करके कितना बुलंद मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया कितना ज्यादा शान और अजमत नसीब फरमाई। इतना मकाम है मेरे मुस्तफा दा कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे आन तो पहला भी मकाम मुस्तफा बुलंद है। मेरे पैगंबर इस कायनात अंदर तशरीफ ले आए फिर भी आपका मकाम बुलंद है। मेरे पैगंबर रौदा अतहर दे अंदर ने दुनिया तो तशरीफ ले गए फिर भी पैगंबर का मकाम बुलंद है और क़यामत तक इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। इत्थे ही बस नहीं बल्कि क़यामत वाले दिन भी जिथे सारे नबिया ने नीवी पाई होएगी उथे भी अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम बुलंद फरमा देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे माँ बो पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना। मालिक कायनात ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया अल्लाह फरमा देने अलम यजीद का यतीमन फआवा वजदा का दालल फहदा वजदा का इलल फअगना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा देने ऐ मेरे मामू पैगंबर इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया वालिये बतहा बदरुद्दुजा शम्सु जुहा खैरुल वरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दा नामे नामे इसमें गिरामी आवे मेरे मुस्तफा ते मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अदब दे नाल इहतराम दे नाल दुरूद पढ़ने सोनिया क्योंकि अल्लाह ताला फरमांदे ने मैं अल्लाह अपने मुस्तफा ते दुरूद भेजना वा मेरे मलाइका मेरे मुस्तफा ते दुरूद पढ़दे ने। ऐ ईमान वालियो जदों तुहाडे सामने सोने मुस्तफा दा तज़किरा होए ना तुसी वी नबी पाक ते दुरूद पढ़िया करो। मालिक कायनात फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
नबी पाक ते दरूद पढ़िया करो, उस सोने ते दरूद पढ़िया कर जिदे ते सोना रब भी दरूद पढ़दा है, उस महबूब ते तू भी दरूद पढ़िया कर जिदे ते अल्लाह दे तमाम फरिश्ते भी दरूद पढ़ते ने। और जुमे वाले दिन नबी पाक ने फरमाया मेरे ते कसरत नाल दरूद पढ़िया करो, जुमे तू बाद तो लैके मगरब तक शाम तक जिन्ना कसरत नाल दरूद पढ़ोगे अल्लाह उन्ना ही उच्चा मकाम अता फरमाएगा। मेरे माँ बो पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करन वाले आ इमामे के नाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले या दीवाने या परवाने या तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिमें पिछले जुमे दे अंदर तज़करा कीता है इमामे के नाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे पैगंबर अजे इस दुनिया ते नहीं आए ने, मुस्तफा दे वालदे मोहतरम अब्दुल्ला दुनिया तो वफात पा गए, जो अब्दुल्ला दुनिया तो वफात पा गए ने सैयदा आमिना परेशान रहा कर दिया सन, बीबी आमीना अक्सर होया कर दिया सन, आ फरमाया कर दिया सन ए अब्दुल्ला मैं सारे अरब अंदर नजर मारी मैनू तेरे जैसा हसीनो जमीन कोई नजर कोई नहीं आया, तेरे जैसा आला अखलाक वाला आला किरदार वाला कोई नजर कोई नहीं आया। इधर अब्दुल मुतलब है, अब्दुल मुतलब नो बार बार ख्वाब आ रही है, ये जिस्म दे विच एक जंजीर निकली है, ऐसी जंजीर है जिस जंजीर ने मशरक ते शुमाल ते जनूब नू अपनी लपेट अंदर ले ले आवे, उस जंजीर दी पहुंच मशरक दी आखर तक है, उस जंजीर दा पहुंचना मगरब दे आखर तक है, उस जंजीर दी पहुंच शुमाल ते जनूब तक है। अब्दुल मुतलब ने ताबीर करवाई, दसण वालियां ने दसिया आखिया ए अब्दुल मुतलब तेरे खानदान दे विचो तेरी औलाद दे विचो किसे दे घर अंदर ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जेड़ा बच्चा आखरी पैगंबर होएगा, जड़ा बच्चा खातमुन नबीन होएगा, जड़ा बच्चा सारे नबिया दा सरदार होएगा। अब्दुल मुतलब ने सुनिया हुण पता कीता किन्ना घरां दे अंदर बच्चे पैदा होने वाले ने, पता चले आवे अब्दुल्ला जड़ा मेरा बेटा अल्लाह नू प्यारा हो गया वे उहदे घर दे अंदर बच्चा पैदा होने वाला है। किते अब्दुल मुतलब नू ख्वाब आंदी ए अब्दुल मुतलब ए जड़ा अब्दुल्ला दे घर अंदर बच्चा पैदा होने वाला है एदा नाम तो मुहम्मद रख देना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किते सैयदा आमीना नू ख्वाब आंदी है जेड़ा बच्चा पैदा होने वाला है आमीना इस बच्चे दा नाम मुहम्मद रख देवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त गुजरदियां ओ वेला भी आया नौ रबीउल अव्वल नौ रबीउल अव्वल रबीउल अव्वल दा महीना वे जिस महीने दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैनात अंदर तशरीफ ले आए ना, नौ रबीउल अव्वल है अर रहीकुल मख्तूम अंदर भी मौजूद है। अहले सुन्नत बरेलविया दे इमाम इमाम अहमद रजा खान ने फतावे रिजविया दे अंदर लिखे है नौ रबीउल अव्वल दिन सोमवार वाला वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर इस कैनात अंदर तशरीफ ले आए ने। जदों मेरे पैगंबर इस कैनात अंदर तशरीफ ले आए ना बीबी आमीना बयान कर दिया ने जिवें औरतां दे हां बच्चा पैदा हुंदा है बहुत ज्यादा तकलीफ दे विचों गुजरना पैंदा है, बहुत ज्यादा दर्द दे विचों गुजरना पैंदा है। जदों अल्लाह ने मेरे हां मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं पैदा फरमाया, अल्लाह ने मैनूं तकलीफां तों महफूज रखिया, अल्लाह ने मैनूं दर्दां तों महफूज रखिया, अल्लाह ने मैनूं परेशानियां तों महफूज रखिया। इमामे कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों इस कैनात अंदर तशरीफ ले आए ने ना फिर पैगाम दिता गया अब्दुल्ला दे भाइयों नूं पैगाम देवो ना, अल्लाह ने अब्दुल्ला दे घर अंदर बेटा दा फरमाया, अब्दुल्ला दे जनाब ना अब्दुल्ला दे बाप नूं पैगाम देवो ना, अल्लाह ने अब्दुल्ला दे घर अंदर बेटा दा फरमाया। जामिया तलीमुल कुरान अंदर आने वाले हो इर्दा गिर्द आने वाले हो मौजूद मेहमान हो इस खुशी का उन्हां नूं बतावे जिन्हां दे जवान पुत्र दुनिया तो टुर जावे ते पुत्रां दे घर अंदर उम्मीद होवे फिर अल्लाह बेटा या बेटी अता फरमाए।
जो बच्चा पैदा होंदे ना फिर मरण वाले दियां यादां आंदियां ने, फिर बाप दियां मुहब्बतां याद आया कर दियां ने। जदों मेरे मुस्तफा इस कैनात अंदर तशरीफ ले आए ना, आए बड़े बड़े मक्के दे सरदार आए, अबू जाल आया आखिया नी आमीना मुबारक होवे, अबू लाब आया आखिया आमीना मुबारक होवे, उथबा आया आखिया आमीना मुबारक होवे, बड़ी खुश नसीब है तेरे घर अंदर बेटा पैदा होया है, अब्दुल मुतलब आया आखिया आमीना मुबारक होवे, अल्लाह ने साडे घर अंदर भतीजा दा फरमाया है, अल्लाह ने तेरे घर अंदर बेटा दा फरमाया वे। इधर किसी ने जाके पैगाम देता, अब्दुल मुतलब नो पैगाम पहुंचे आवे, अब्दुल मुतलब नो पता चलिया ओ मेरा बेटा अब्दुल्ला जड़ा अल्लाह नो प्यारा हो गया वे, ओदे घर दे अंदर बेटा पैदा होया है। अब्दुल मुतलब ही दौड़दियां दौड़दियां अपने पोतरे नो वेखण वास्ते आ रहे है, अपने अब्दुल्ला दे बेटे नो वेखण वास्ते आ रहे आवे। बसुरगो जानते हो ना पोतरियां दे नाल किन्ना प्यार हुंदा है, पोतरियां दे नाल किन्नी मुहब्बत हुंदी है, पोतरियां नाल ते इन्ना प्यार हो जांदा है कि अपने पुत्र दे नाल भी दादा लड़न लग जांदा है, ए पोतरियां दी वजह तो गुस्सा करन लग जांदा वे। इधर पता चलिया अब्दुल्ला दे घर अंदर बेटा पैदा होया है, अब्दुल मुतलब दौड़दियां दौड़दियां घर दे अंदर दाखिल होया वे, आखिया नी आमीना मुबारक होवे, आमीना मुबारक होवे, ए जड़ा बच्चा तेरी गोदी अंदर है ना, आमीना ले आ मेरियां बाहां दे अंदर दे दे, मैं अपने पोतरे नू वेखां दे सही ना, मैं अपने अब्दुल्ला दी निशानी नू तकां दे सही ना, इंज करके मेरे मुस्तफा नू उठाया, इमामे कैनाब दे मत्थे बूसा कीता, नाले जनबी पाक दा चेहरा तकिया, अखां विच आंसू आ गए, आखिया नी आमीना तेरे पुत्र दियां अखां ते मेरे अब्दुल्ला वर्गियां ने, तेरे पुत्र दा चेहरा ते मेरे अब्दुल्ला वर्गे, तेरे बेटे दे हाथ ते मेरे अब्दुल्ला वर्गे ने। नी आमीना ऐ तेरा बेटा ते इवें ही जिवें अब्दुल्ला बचपन दे अंदर सी, इंज करके नजरां मारियां ने सैयदा आमीना सारो किदार रोई जा रहियां ने, अखां दे विच आंसू जा रही ने, फरमाया आमीना क्यों रो रही है, जिन्हां घरां दे अंदर बेटे पैदा होवे उते बड़े खुश नसीब घर होया करदे ने, पुत्र दे नसीबां वालियां दे घर अंदर पैदा होया करदे ने, पुत्र दे किस्मतां वालियां दे घर अंदर पैदा हुंदे ने। आमीना तेरियां अखां क्यों बरस गईयां ने, सैयदा आमीना फरमांदियां ने वे अब्दुल मुतलब अज अबू जाल आया उन्हें आखिया आमीना मुबारक होवे, अबू लाब आया उन्हें भी आखिया आमीना मुबारक होवे, अब्दुल मुतलब अबू तालब आया अबू तालब ने भी आखिया आमीना मुबारक होवे। मैं इस वजह तो रो रही हूं, तुसीं भी आयो तुसीं भी आखिया आमीना मुबारक होवे, अज चाचे भी बड़े राजी ने, अज ताए भी बड़ी राधी ने, अज फुफियां भी बड़िया राधी ने, अज दादा भी बड़ा राधी है। मैं इस वजह तो रो रही हूं, काश अज अब्दुल्ला हुंदा, काश अज अब्दुल्ला हुंदा, अब्दुल्ला अपने बेटे नो वेखदा, अब्दुल्ला किड्डा राधी हुंदा, अब्दुल्ला किड्डा खुश हुंदा, काश अज मेरे सर दा साई मौजूद हुंदा, अज मेरा खामद मौजूद हुंदा, ऐसे मौके आते खामद बिछड़ जाए उदी याद ते आया कर दिए ना। मैं अक्सर कहा करना वा ओए नौजवानो, अगर किसी औरत दा खामद जिंदा वे औरत तख्ता ते राज करया कर दिए, जदो खामद दुनिया तो टुर जावे औरत ते गली दे कखा तो हौली हो जाया कर दिए, अगर इस औरत दा कोई मकाम है अल्लाह ने दे खामद दी वजह तो बनाया है, अगर इस औरत दी कोई इज्जत है अल्लाह ने दे खामद दी वजह तो बनाई है, अगर इस औरत दी कोई जनाब ना इस औरत दी कोई फजीलत है इस औरत दा कोई नाम है अल्लाह ने दे खामत दे नाल एदा नाम जोड़ दिता वे। सैयदा आमीना दारो के दार ही जा रहियां ने फरमादियां ने अब्दुल मुतलब अज अब्दुल्ला हुंदा, अब्दुल्ला किनियां खुशियां करदा, अब्दुल्ला किन्ना राजी हुंदा, ऐ सारिया ने आखिया नी आमीना मुबारक होवे। मैं इस वजह तो रो रही हूं, अज मेरा अब्दुल्ला हुंदा, अब्दुल्ला आखदा नी आमीना
आमिना मुबारक होवे, नी आमिना मुबारक होवे। आज सारिया परेशानियां दूर हो जांदियां, मैं सुबह तो परेशान हूं। ए थोड़ी थोड़ी देर दे बाद तुसी अपने अपने घरां नूं चले जाओगे। मेरे बेटे दा ख्याल कौन करेगा, मेरे बेटे नाल मुहब्बत कौन करेगा, मेरे पुत्र नूं सीने नाल कौन लगाएगा। क्योंकि अरब दी धरती ते किसे घर अंदर कोई यतीम पैदा हो जांदा, लोग इहनूं मनहूस आखिया करदे सन। ऐ साडी खांगी जांदा अगर किसे बच्चे दे पैदा होण तों पहलां इहदा बाप दुनिया तों रुखसत हो जावे। असी आखनी ऐ बच्चा अपने बाप नूं खा गया। अगर किसे बच्चे दी पैदाइश ते इहदी मां दुनिया तों रुखसत हो जावे, असी आखनी ऐ बड़ा मनहूस ऐ, इह दुनिया ते आया ते मां दी जान लै बैठा। भला दिल ते हथ रख के दसो ना, कोई बच्चा चाहुंदा है कि मेरा बाप फौत हो जाए, कोई बच्चा चाहुंदा है कि मेरी मां दुनिया तों टुर जावे। बच्चे नूं ते बाप दीआं जरूरतां हुंदीआं ने, बच्चे नूं ते मां दीआं जरूरतां हुंदीआं ने। ऐसे बच्चे नूं मनहूस ना जाणिया कर, ऐसे बच्चे ते बुरियां निगाहां ना रखिया कर, ऐसे बच्चे तों नफरत ना करिया कर। इह ते सुणे रब दीआं मर्जीआं ने कि तेरे मेरे इमाम ते मुर्शिद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम मेरे पैगंबर दे आन तों पहला अल्लाह नबी पाक दे बाप नूं ही अपने कोल बुला लवे। ते मालिके के नाम फरमांदे ने अलम अजीद का यतीम फआवा वजदा का वाल फगदा وَوَجَدَ قَائِلًا فَأَغْنَى ऐसे बच्चों नूं मनहूस ना आख्या करो जिन्हां दे पैदा होण तों पहलां बाप दुनिया तों टुर जाए, क्योंकि मेरे मुस्तफा सारी कैनात तों ज़्यादा खुश नसीब ने, मगर मुस्तफा दे बाप ही दुनिया तों नबी पाक दे आण तों पहलां चले गए सन। किसी बच्चे की पैदाइश के बाद माँ दुनिया तो रुखसत हो जाए, नफरत की निगाह नाल ना वेखिया कर, क्योंकि ये ते काफरां दी हरकत है, मुसलमान इंज करदे नहीं। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले दीवाने कुरानियां तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पैगंबर दे पैदा होने तो 7 दिन बाद, यानी जो नबी पाक की उम्र 7 दिन हुई है, अब्दुल मुतलब ने बुलाया अपनी बरादरी वालिया नू, फैमिली वालिया नू, रिश्तेदारा नू, इलाके वालिया नू बुलाया, अपनी कौम वालिया नू बुलाया। बुला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कीका कीता, जदों मेरे मुस्तफा दा अकीका कीता, अकीका करके गोश्त तैयार हो गया। अपने बाप दे भी गोश्त आमे, बेगाने बाप दे भी गोश्त आमे, छोटिया बड़े बाप दे भी गोश्त आमे। अज फैमिली वाले वास्ते दस्तरखान लग गए आवे, जदों दस्तरखान लगे है ना, इहदे ते बरादरी वाले ने खाना खाया, खाना खा के वापस जान लगे ने। ते 7वें दिन सुन्नत इब्राहिमी दे मुताबक 7वें दिन ही बच्चे का नाम रखिया जाता, 7वें दिन ही बच्चे सर दे बाल मुंडवाए जांदे सन। इहो ही तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी अंदर भी है, इहो ही तरीका सुन्नत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर है। जदों नबी पाक दा 7वें दिन अकीका कीता गया, बरादरी वाले खा के जान लगे ने, उदों पुछिया ऐ अब्दुल मुतलब अब्दुल्ला दे बेटे दा नाम की रखे आई, अब्दुल्ला दे बेटे दा नाम की रखे आई। फरमाया मैं दा नाम रखे है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद नाम रखे आवे। सारे ने मुंह के अंदर उंगलां पा लिया, हैरानगी दे नाल वेखण लग गए ने, कहिंदे ने ऐ अब्दुल मुतलब नाम क्यों रखे आई, ये नाम ते बड़ा उच्चा वे, ये नाम ते बड़े शानवान है, ते पता नहीं बच्चा बड़ा हो के किवें दा बनेगा, एडा उच्चा नाम रखन की लोड़ नहीं है। इंज करना अब्दुल उज़्ज़ा रख दे, या अब्दुल मनात रख दे, या अब्दुल हुबल रख दे। फरमाया नहीं नहीं मैं
ਮੈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲਿਹੀ ਵਸੱਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮਗਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ੁਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਨੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੀਕਾਈਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸਰਾਫੀਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸਮਾਈਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਨਾਬ ਯੂਨਸ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਰਾਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇੰਜੀਲ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਬੂਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਕਬੀਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੁਆ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਿਕਾਹ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਬਾਹ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮਰਦ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਗਾਨੇ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਕਵੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆਖੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਖੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਵੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਆ ਬੁੱਤ ਸ਼ੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਕੁੰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਮੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਉਸ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਤਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਏ। ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਵਾਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਤਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਬਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਇਆ, ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਖਾਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਏ ਕੁਕਾਰੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਯਾ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਔਖਾ ਜੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੋਖਾ ਜੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਠਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਲੈ ਆਏ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੱਕੋ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਥੱਕੋ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੱਕੋ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਤੱਕੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ,
इमामे कहना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम देना मोहब्बत करने वाले या दीवाने या परवाने या तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब मेरे पैगंबर इस कनात अंदर तशरीफ ले आए ना वक्त गुजर दिया वो वेला भी आया जब पता चलिया बनू सात कबीले दियाँ दाइयाँ आ रही ने बनू सात कबीले दियाँ दाइयाँ आ रही ने मक्के अंदरों बच्चे लैन वास्ते ते सैयदा आमीना ने मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम यार कीता कौन पैगंबर है जिन्हां दे बारे अंदर मैं कहा करना वा मैं नी मां मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चियां दे संग लाई मैं नी मां मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चियां दे संग लाई सदके जावा इन्ना उच्चियां ताई जिन्ना नीवियां नाल निभाई सदके जावा इना उचिया ताई जिन्ना नीवियां नाल निभाई बनो सात कबीले दियां दाइयां तैयार हो गई ये हलीमा सादियां बयान कर दियां ने साडे इलाके दे अंदर कात साली दा दौर चल रहा है बारिशां पईयां कोई नहीं फसलां होईयां कोई नहीं जानवर रजदे कोई नहीं दुध मिलदा कोई नहीं साडे इलाके अंदर कात साली दा दौर है और खाण पीण नूं वी अनाज नहीं मिलदा हलीमा सादियां कर दिया ने अल्लाह ने मेरे खामी बेटा दा फरमाया इस बेटे दा नाम अब्दुल्ला वे ते मेरे वजूद अंदर इतना भी दूध नहीं हुंदा मैं अपने पुत्र अब्दुल्ला नूं रज के पिला दवा ते साडी जड़ी ऊंठनी है ना इस ऊंठनी दे थणा अंदर भी दूध कोई नहीं हुंदा बल्कि सारे इलाके अंदर ही हुई हालात ने ते जदों बनो सात कबीले दियां दाइयां मक्के दे विचों बच्चे लैण वास्ते चलियां ने मैं अपने सरताज हारस नूं आखिया ऐ हारस मेरा भी दिल करदा वे असी भी जाके मक्के विचों बच्चा लेके आईए हारस ने आखिया नी हलीमा अपने घर दे हालात पहले ही बड़े माड़े ने घर दे हालात बड़े माड़े ने असी ते अपने बच्चे अब्दुल्ला नूं रज के दुध नहीं पिला सकदे ते जिहड़ा और बच्चा लेके आवांगे उस बच्चे की कफालत किवें करांगे ते सैयदा हलीमा फरमांदियां ने मैं कहा हो सकदा वे अल्लाह ओहदे जरिए ही बरकत फरमा देवे अल्लाह ओहदे जरिए खैर फरमा देवे एक काफला चल पिया हलीमा सादिया बयान कर दिया ने मेरी सवारी कुछ लागर ते कमजोर है जदों भी चलने नाल दियां सहेलियां मेने मार दियां ने हलीमा जल्दी आओ मैं इन्हां दे नाल मिल ना सकी आखिर एक काफले वाले अगे निकल गए असी ऐसा ऐसा पिछे आ रहे हैं इधर मक्के अंदर मावां ने अपने अपने पुत्रां नूं तैयार अपने अपने बच्चों को तैयार किया सैयदा आमीना ने मेरे मुस्तफा को तैयार किया वे दाइयां चलदियां एक दाई हलीमा सादिया एक दाई चलदियां बीबी आमीना के दरवाजे ते पहुंची गए दरवाजे ते दस्तक दी थी सैयदा आमीना फरमाती नी कुमैम ऐ जल्दी कर दरवाजा खोल दे जेड़ी दाई आएगी मेरे लाल मुहम्मद नूं वेखेगी रह नहीं सकेगी लैके जाएगी मेरा पुत्र ते सब तो पहले ही दाइया ने लै जाने जो दरवाजा खुले आवे इंज करके दाई अंदर दाखल होइए आखिया नी आमीना घर दे अंदर बच्चा है के कोई ना फरमाया बच्चा है वे सज्जे खब्बे नजरा मारिया आखिया आमीना इस बच्चे का बाप नजर नहीं आ रहा इस बच्चे का बाप नजर नहीं आ रहा सज्जदा आमीना फरमा दिया ने नी सवाल करने वाले इस बच्चे का बाप ते अल्लाह नू प्यारा हो गया दुनिया तो रुखसत हो गया वे ए दाई इथों ही वापस मुड़ पईए इन्हें आखिया ऐसे बच्चे नू चुक के की करने जिदे सर ते बाप दा साया ही कोई नहीं ओए नौजवानो तवज्जो करना दूसरी दाई आईए आखिया नी आमीना घर अंदर बच्चा है के कोई ना फरमाया बच्चा है वे आखिया दा बाप किथे वे फरमाया बाप ते अल्लाह नू प्यारा हो गया इस दाई ने भी वापस कदम मोड़ लेने इन्हें आखे ऐसे बच्चे नो चुक के की करना जिन्हों चुकिया उजरत नहीं मिलनी जिन्हों चुकिया पैसा नहीं मिलना बड़िया बड़िया दाइया आईया बाप का सवाल कर दिया ने जो पता चलता वे मेरे मुस्तफा दे बाप दुनिया तो रुखसत हो गए ने इथों ही दाइया वापस मुड़ जाया कर दियां आखर फरमा दिया ने बीबी आमीना नी सैयदा उम्मे एम जल्दी कर द
दरवाजा बंद कर दे। दाइयां वापस मुड़ गई ने, इन्ना मेरे लाल मुहम्मद नो चुकना भी गवारा नहीं किया। अज मेरे मुस्तफा नू सीने नाल लाया वे। सैयदा आमीना दी अखां बरस गई ने, औखे वेले आ जावे किसे बेवा औरत दे, औखे वेले उन्हों सर ताज दी याद सताया कर दिए। अज मेरा खामद हुंदा, अज लोग मेने ना मार दे, अज मेरा खामद हुंदा, अज लोग गल्ला ना कर दे, अज मेरा खामद जिंदा हुंदा, अज गंदे गंदे लोगों की भी गुफ्तगु ना सुननी पैंदी, अज भैड़ियां निगाहां दा सामना ना करना पैंदा। सैयदा आमीना दारो के दारू ही जा रही ने, मेरे मुस्तफा तू सीने नाल लाया। फरमांदियां ने, वे अब्दुल्ला मैं तेनू जिंदगी दे किस किस मौके ते याद करांगी। अब्दुल्ला अज तू जिंदा हुंदा, अब्दुल्ला अज तू जिंदा हुंदा, कोई दाई भी तेरे पुत्र नू छड़ के ना जांदी। वे अब्दुल्ला अज तू जिंदा हुंदा, दाइयां आपस अंदर झगड़ा कर दियां। एक दाई आखदी मैं अब्दुल्ला दा पुत्र लैके जावांगी, दूसरी दाई आखदी मैं अब्दुल्ला दा पुत्र लैके जावांगी। अज दाइयां इस वजह तू मेरे लाल मुहम्मद नू छड़ गईयां, इहदे सर ते बाप दा साया कोई नहीं, इहदे पैसे नहीं मिलने, इहदियां उजरतां नहीं मिलनियां। दुआ करिया कर शाला बचपन अंदर कोई यतीम ना हो जावे, शाला बचपन अंदर किसे दा बाप ना टुर जावे, शाला बचपन अंदर किसे दी मां कब्रस्तान दी जीनत ना बन जाए, बच्चा यतीम हो जाए, बच्चा रुल जाया कर दे, इहदे नाल वफावां करन वाला फिर कोई नजर नहीं आंदा, बाप टुर जाए समझाण वाला कोई नजर नहीं आंदा, बाप टुर जाए कंधियां ते उठाण वाला कोई नजर नहीं आंदा, बाप टुर जाए सीने लाण वाला कोई नजर नहीं आंदा, बाप टुर जाए कुरियां पाण वाला कोई नजर नहीं आंदा। तवज्जो करना गौर करना, जदों सारियां दाइयां चलियां गईयां, सैयदा आमीना रो रहियां ने, इतने नो आखर अंदर खलीमा सादियां आईयां, दरवाजे ते दस्तक दित्ती ए, आखे आओ मैं ऐम, जल्दी जा जल्दी जा, ए दरवाजा खोल दे, हो सकदा है किसे दाई नो मेरे बछड़े ते तरस आ गया होवे, हो सकदा है किसे दे दिल अंदर रहमी पैदा हो गया होवे। अज दरवाजा खोलिया, हलीमा साथी आईया ने, सैयदा आमीना रो रही ने, फरमादिया ने, नी हलीमा तेनो पता नहीं है, ये जड़ा बच्चा मेरी गोदी अंदर है, एदा बाप दुनिया तू टुर के आवे। हलीमा जे तेनो पता हुंदा, कदे भी तू मेरे दरवाजे ना आंदी, कदे भी तू मेरे चेड़े अपने कदम ना रखदी, मेरे वेरे अंदर अपना कदम ना रखदी। हलीमा फरमादिया ने, आमीना गम ना कर परेशान ना हो, नी आमीना ये जड़ा बच्चा तेरी गोदी अंदर है, जरा मैनू दीदार ते कराना। आखिया नी हलीमा जा चली जा, मैं आपे ही अपने मुहम्मद नू पा लवांगी, मैं आपे ही अपने मुहम्मद नू सांभ लवांगी। हलीमा जिन्ना दे बाप जिंदा ने, शायद मैं उन्ना जितना पैसा ना दे सका, उन्ना जितनिया दौलत ना दे सकूं, मेरा अब्दुल्ला जिंदा हुंदा, अब्दुल्ला कमांदा, मैं मुहम्मद दे दूध पिलाण दी उजरत दे दिंदी। नी हलीमा जा चली जा, आखे आमीना गम ना कर परेशान ना हो, मैं तेरा पुत्र छड़ के नहीं जांदी, मैं तेरा लाल लैके जावांगी, अज दीदार ते कराना। हलीमा ने मेरे मुस्तफा दा मुखड़ा तकिया, नबी पाक दे चेहरे ते नजरां टिक गईयां, फरमादियां ने, जदों नबी पाक नो बार बार वेख रहियां ने, आमीना परेशान हो गईयां, आखिया हलीमा की सोच रही है, हलीमा सोच दी होएगी छड़ जावा या ले जावा, हलीमा सोच दी होएगी इस बच्चे नू ले जावा ते की मिलेगा। हलीमा ले जा मेरा लाल मुहम्मद ले जा, हलीमा मेरा पुत्र बड़े नसीबा वाले, हलीमा मेरा पुत्र बड़िया किस्मत वाले, हलीमा मेरा पुत्र बड़े मुकद्दर वाले। अल्लाह तेरे घर खैर करेगा, अल्लाह तेरे घर फजल करेगा, नी हलीमा सादिया मेरे लाल नू ले जा। हलीमा
हलीमा फरमादिया ने आमीना मैं ये गल नहीं सोच रही बल्कि मैं ते ए सोच रही हूँ मैं सारे अरब अंदर नजर मारी मैं बड़े बड़े बच्चियों नू चाया मैं बड़े बड़े बच्चियों नू खिडाया मैं बड़े बड़े बच्चियों नू सांभिया मैं बड़े बड़े बच्चियों नू पालिया मैं बड़े बड़े बच्चियों नू दूध पिलाया मैं अरब के बड़े बड़े कबीलिया के बच्चियों नू वेखिया नी आमीना मुबारक होवे मेरिया नजर ने तेरे मुहम्मद जैसा तकिया नहीं है। मैं ते हैरान हाँ एडा सोहना बच्चा अल्लाह ने तेरे घर अंदर अता फरमाया कि मैं हलीमा दी इन्नी उम्र हो गई है अज तक मैं एडा सोहना बाल अरब दे विच वेखिया। आसमान तो आवाज आई हलीमा जे तू वेखिया नहीं ते मैं रब ने बनाया भी जे मैं बनाया ही नहीं ते तू वेखना कितू वे वेखना ते तद सी ना जे मैं अल्लाह एडा सोहना दुनिया ते कोई भेजदा ते एदी मिसल मिसाल कैनात विच है ही कोई नहीं क्योंकि वराफाना किड्डा सोना रब सोने नो बनाया ते सोनिया दे मान टुट गए किड्डा सोना रब सोने नो बनाया ते सोनिया दे मान टुट गए सोने वर्गा हा हा आका वर्गा हां जी मदनी वर्गा ना कोई सोना आया ते सोनिया दे मान टुट गए कालियां जुल्फा अख नूरानी वेख के दुनिया होई दीवाने कालियां जुल्फा अख नूरानी वेख के दुनिया होई दीवानी जदों जुल्फानो हाहा जदों जुल्फानो चेहरे तो हटाया ते सोनिया दे मान टुट गए जदों जुल्फानो हाहा जदों जुल्फानो चेहरे तो हटाया ते सोनिया दे मान टुट गए किड्डा सोना रब सोने नो बनाया ते सोनिया दे मान टुट गए यूसफ गे ओहदे परदे सोहने ओहदा पानी भर दे यूसफ भर गे ओहदे परदे सोहने ओहदा पानी भर दे किसे माने हा हा किसे माने ना एडा सोना जाया ते सोनिया दे मान टुट गए किसे माने ना एडा सोना जाया ते सोनिया दे मान टुट गए किड्डा सोना रब सोने नो बनाया ते सोनिया दे मान टुट गए सोने ते मन मोहनी आका हर सोने तो सोने आका सोने ते मन मोहनी आका हर सोने तो सोने आका जदो हबशी नो आहा जदो हबशी नो सीने नाल लाया ते सोनिया दे मान टुट गए महबूब जैसा हुसन भी अल्लाह ने कैनात विच किसे नु अता फरमाया नहीं। हलीमा सादिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया ऐज महबूब नु लेके जा रही ने जो तो दरवाजे के करीब पहुंचिया ना सैयद आमीना फरमादीन हलीमा एक बार मेरे लाल नु वापस ले आया ना मैं एक बार होर अपने पुत्र दे मथे बोसा कर ला मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमाम कहना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना जान दे ना अगर मामा जिंदा होवे पुत्र किते परदेस जान लगे पुत्र किते दूर दराज दा सफर करन लगे मां बार बार बेटे दे मत्थे बोसा कर दिए मां बार बार दुआवां दे के टोर दिए पर जदों मां टुर जाए फिर मत्थे बोसा करन वाला कोई नहीं हुंदा जदों मां टुर जाए फिर
फिर बार बार बेलौस दुआवा देने वाला कोई नहीं होना। फरमाया नहीं हलीमा एक बार वापस ले आना। अज मुस्तफा नु पकड़िया सीने नाल लगाया नबी पाक दे मथे बूसा कीता नाले फरमा दीने नी हलीमा मेरी एक गल याद रखी हलीमा मेरा लाल मुहम्मद लैके जा रही है। नी हलीमा सादिया मेरे पुत्र नु धुप भी ना लगन देवी मेरे पुत्र नु भुख भी ना लगन देवी। हलीमा अगर मेरे पुत्र नु धुप लगे अपने सर दे दुपट्टे दा छाया कर देवी अगर मेरे पुत्र नु भुख लगे अपने बच्चे तो पहला मेरे मुहम्मद नु दुध पिला लवी। नी हलीमा हो सकदा वे मैं बार बार मिलन ना आ सका अगरे दा बाप जिंदा हुंदा मैं बार बार अपने पुत्र नु मिलन आंदी मैं बार बार अपने बेटे दा चेहरा तकन आंदी पर हलीमा जिस औरत दे सर दा साईं दुनिया तो टुर जावे औरत ज्यादा बाजार अंदर नहीं जाया करदी बाजार दी जीनत नहीं बनया करदी। अगर मैं जल्दी ना आवा हलीमा तू आप ले आके मिला जावी। हलीमा सादिया ने नबी पाक ने चुके आवे चलदे हां जदो खैमे दे करीब पहुंचियां ते हलीमा दा बेटा अब्दुल्ला रो रहे आवे हारस ने आख्या नी हलीमा जल्दी आ ऐ तेरा बेटा अब्दुल्ला रो रहे है शामा पै गईयां ने पहने अपना दुध नहीं पीता शामा पै गईयां ने। हलीमा फरमा दिया ने हारस मेरे वजूद अंदर ते दुध है ही कोई ना मेरे जिस्म अंदर ते दुध है ही कोई ना मैं अब्दुल्ला नु की दुध पिलावांगी अज खैमे अंदर दाखल हुई हूं लेकिन मां ते मां होया कर दिए ना। अब्दुल्ला नु उठाया आखिया शायद अल्लाह फजल फरमा देवे जदो अपने वजूद नाल लगाया ते दुध नहीं है फिर पुत्र नु दिलासा देन लग गई पुत्र नु थपकियां देन लग गई थोड़ी देर दे बाद मेरे मुस्तफा रोन लग गए ने जदो नबी पाक नु उठाया वे आखिया शायद एदी वजह तो अल्लाह बरकत फरमा देवे। हलीमा बयान कर दिया ने सही मुस्लिम दी रवायत है जदो मैं सोने मुस्तफा नु अपनी गोदी अंदर लिटाया अल्लाह ने मेरे वजूद अंदर फसल फरमा दिता अल्लाह ने मेरे वजूद अंदर बरकत फरमा दी दिया इंज सोने रब ने फजल फरमाया मेरे अब्दुल्ला ने भी राज के दुध पीता मेरे मुहम्मद ने भी राज के दुध पीता। फरमादियां ने मैं हैरान हो गई बच्चिया ने बच्चा दुध पीवे ते मां नू भुख प्यास लगदी है ते मेरी ते भुख भी मिट गई है ते मैं आखिया हारस तजर्बा मेरे सिने च ख्याल आया मैं आखिया हारस जरा जाए ना डाची का दुध ते धो के लिया। उन्हें आख्या कमलीए तेनों पता है किन्ने दिन का डाची दुध ही नहीं दिंदी कां साली का दौर है बारिशा पईयां नहीं उन्हें खादा पीता कुछ नहीं कोई चारा तो मैं खिला नहीं सकिया दुध किवें लियावां। आख्या नहीं जरा जा ते सही जरा पता ते कर। हारस फरमाते ने जो भांडा लैके बर्तन लैके पहुंचे ना तो डाची के थले बैठे तो अल्लाह ने डाची अंदर भी फजल फरमा दिता है भांडा दुध का भर के ले आए। हलीमा सादिया बयान कर दियां ने मैं भी रज के पीता मेरे खामद ने भी रज के दुध पीता ते बड़ी देर बाद रात सी जिस रात नूं असी सुकून नाल गुजारिया सी वरना बच्चे नूं दुध नहीं सी मिलदा सारी सारी रात किते मैं चुप के वेड़े च तुरदियां रहना किते हारस ने चुप के वेड़े तुरदियां रहना ते कहिंदे सां पता नहीं कदों बारिशां पैण गईयां। फरमांदियां ने जदों मैं सुबह हुई ना ते महबूब नूं लैके वापस निकली उह नाल दियां सहेलियां तो पहले ही निकल गई सन उन्हें आख्या नहीं हलीमा मक्के जदों बच्चा मिलना नहीं अगर मिलिया भी तो यतीम ही मिलेगा वह यतीम ही मिलेगा जिन्हों चुकन का तेनों फायदा नहीं होना अल गरज वो निकल गई। हलीमा फरमा दी सवारी से बैठे ना तो सोने मुस्तफा मैं गोदी च बिठाया तो अगे हारस बह गया तो जो अपनी सवारी टोरिया तो सवारी कदम नहीं चुकती टुरदी नहीं तो हारस आंदा कि लगता बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। मैं आख्या नहीं ये गल नहीं मैनू कुछ होर ही मालूम होंदा इंज करना ऐ जिहड़ा बच्चा इहनू अपनी गोदी विच बिठा मैनू लगता है जिवें इहनू कंड हो रही है मैनू लगता है जिवें इहनू कंड हो रही है इहनू अपनी गोदी विच बिठा ना इहदे हत्थां नाल इस सवारी दीआं मुहारां ला फिर पता चलेगा जदो महबूब दे हत्थां नाल सवारी दीआं मुहारां लगियां अल्लाह ने सवारी दीआं बीमारियां ही दूर फरमा दित्तियां। ये नॉन स्टॉप होगी न्यू चौधरी
है नॉन स्टॉप होकी चल पई है। ते जदों ये सवारी चली ना हलीमा सादिया बयान करदे ओ सेरियां दे कोलों मैं लंघी उन्होंने आख्या हलीमा किवें अज बड़ा तेज तेज जा रही है। चलो बच्चा ते तेनों मिलिया नहीं होना कम अज कम सवारी ते चंगी लभ गई है ते जरा सानू भी नाल ले जा। फरमाया आण वेरी तुसी नाल नहीं रलाया जाण वरी हुण मैं भी तुहानूं नाल है। हाय हाय आमीना माई दा है लाल बड़ा सोहना चन्नी अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोहना आमीना माई दा है लाल बड़ा सोहना चन्नी अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोहना तौगा पेशानी यासीन दसेहरा है नशेरा सीना है वल फजर दा चेहरा है तौगा पेशानी यासीन दसेहरा है नशेरा सीना है वल फजर दा चेहरा है जुल्फ दा की पूछने जुल्फ दा की पूछने ओए हर वाल बड़ा सोहना जुल्फ दा की पूछने ओए हर वाल बड़ा सोहना चन्नी अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोहना वेख के सोहने नो दिल फड़ ले माया ने सादिया नो आथे रल मिल के दाया ने वेख के सोहने नो दिल फड़ ले माया ने सादिया नो आथे रल मिल के दाया ने जेड़ा आज आए जेड़ा आज आए वो तेरे नाल बड़ा सोहना जेड़ा आज आए वो तेरे नाल बड़ा सोहना चन्नी अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोहना होके हावा दी मेरी गल अज मुक गई है सादिया पई आखे मेरी गुरबत मुक गई है होके हावा दी मेरी गल अज रुक गई है सादिया पई आखे मेरी गुरबत मुक गई है हाल की पूछदियां जे हाल की पूछदियां जे नी मेरा हाल बड़ा सोहना हाल की पूछदियां जे ओ मेरा हाल बड़ा सोहना चन्नी अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोहना रबीउल अव्वल दा ए पाक मगीना सी आमीना दी गोदी आया लाल नगीना सी रबीउल अव्वल दा ए पाक मगीना सी आमीना दी गोदी आया लाल नगीना सी ओ दिन ओ महीना ओ साल बड़ा सोहना ओ दिन ओ महीना ओ साल बड़ा सोहना चन्नी अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोहना आमीना माई दा है लाल बड़ा सोहना चन्नी अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोहना। फरमादियां ने असी घर गए ना
परेशान सा भी घर बकरियां भी पहाड़े च ताड़ के आए सा, पता नहीं उन्होंने की हालात होने ने। जो घर पहुंचे तो जाके वेखिया तो बकरियां रजवियां भी हुई ने जिमें कोई चारदारे है, तो उन्होंने थणा बच्चे अल्लाह ने दुध का इंतजाम भी फरमा दिता है। फरमादियां ने उस रात रही गुर मखदूम अंदर है, फरमादियां ने उस रात असी साढ़े घर में दुध सी ते बाकी किसी घर दुध नहीं सी, ते किसी घर में कोई औरत आई दुध लैन वास्ते भी हलीमा जे तेरे घर ही कुछ होवे दुध ते वेखिया ते सारे भांडे ही परे पै ने। उन्हें जिहड़ा दुध लैना सी लिया वापस गई, उन्हें नाल दियां नूं पुछिया तुहाड़े घर दुध है ना कोई, हलीमा दे घर ते सारे भांडे ही भरे पै रहे। फरमांदियां ने उस रात बनू सात कबीले दियां सारियां दाइयां दे घर विच दुध हलीमा साधिया दे घर विचों गया है। फिर रब ने बारिश भी पा दित्ती ते अल्लाह ने फजल भी फरमा दिता। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करन वाले इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले दीवानियां परवानियां तवज्जो करना, हलीमा सादियां बयान कर दियां ने जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साडे घर अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया और हलीमा फरमांदियां ने मैं सजितनी देर भी नबी पाक नूं दुध पिलांदी रही। दो साल तक नबी पाक नूं अपनी सज्जी सह तो दुध पिलांदी रही, अपने बेटे अब्दुल्ला नूं अपनी खब्बी सह तो दुध पिलांदी रही। अगर किते मैं भूल के नबी पाक नूं खब्बी सह ते लिटा देना, सोहणे मुस्तफा ने अपने लब ही ना खोलने ते मैनूं पता चल जाना नबी पाक इस वजह तो लब नहीं खोल रहे कि मेरे भाई का हिस्सा है। इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखिर बकरियां चारण जाया करते सन और मंदिर कैसा वे, अगे अगे कमली वाली सरकार ने चलना, अगे अगे नबी पाक की बहन रजाई बहन शीमा ने चलना, ते पीछे पीछे बकरियां ने चलना। जिथे नबी पाक ने बैठना हुंदा उथे सैयदा शीमा इंज चादर बछा दिता कर दिया सन, ते मेरे मुस्तफा इस चादर ते बैठ जाया करते सन। वक्त गुजरदिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो साल हलीमा सादिया दे घर अंदर रहे, हलीमा फरमादियां ने मैं सोने मुस्तफा दियां बड़िया बड़िया बरकतां वेखियां, बड़िया बड़िया रब दियां रहमतां वेखियां। जो मैं ते हारस वापस छड्डन गया, मैं रास्ते अंदर क्या हारस है मेरा दिल नहीं करदा, मैं सोने मुस्तफा नूं छड़ के आवां। हारस है अगर इजाजत होवे मैं मुहम्मद दी मां नाल मुतालबा करांगी, एक बार फिर मैनूं दे दित्ता जाए। चलदियां चलदियां जदों बैतुल्ला दे अंदर पहुंचियां ने ना हलीमा सादिया पक्के अंदर पहुंचियां, आमीना दे घर अंदर पहुंचियां, सैयदा आमीना ने जल्दी दे नाल अपने मुस्तफा नूं सीने नाल लगाया, मेरे पैगंबर दे मत्थे ते बोसा कीता। नाले फरमादियां ने सदके जावा कुर्बान जावा, मेरा बेटा मेरे घर आया, मेरा पुत्र मेरे घर आया, नहीं मेरी ओ माओ जानदियां जे ना। जद पुत्र दो चार साल दे बाद वापस लौटना ते मां दा दिल कर दे उस दरवाजे दी दलीज नूं ही चुम लवां जिथे पुत्र ने कदम रखे ने। ओए मामा वाले ओ मामा नूं ना सताया करो, मामा दी मुहब्बत मामा जैसी मुहब्बत कोई नहीं कर सकदा। बैठे खाना खाया वापस जान लगे ना, आखिया आमीना ने अज रात गुजारोगे या वापस जाओगे। फरमादियां ने हलीमा फरमादियां ने आमीना असाडा दिल कर दे असी मुहम्मद ने एक बार फिर ले जाइए, ते सैयदा आमीना फरमादी ने हलीमा मेरा भी पुत्र दे बगैर गुजारा नहीं हुंदा, मेरे केड़े चार पांच पुत्र ने इको एक ते पुत्र है, दो साल तो अपने कोल रखे हुण मैनू रज के प्यार कर लैण दे। आखिया नी आमीना मेरा दिल करदा मैं नाल ही लै जावां, अगे अपनी मर्जी नाल टोरे ही हुण मैं तेनों कहनी हां हुण मेरी मर्जी दे नाल मेरा भी ते पुत्तर है ना, मेरा भी ते दो साल दुध पीता है ना, हुण मेरे कहन ते टोर दे। नबी पाक नूं फिर हलीमा सादियां ने नाल लै लिया, बच्चे दो साल रहा करदे सन, मेरे पैगंबर हलीमा दे घर पांच साल रहे ने। हलीमा
ਸਾਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਖਰ ਮੌਕਾ ਇੰਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅੱਜ ਬਾਕਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਇਲ ਆਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨਾਲ ਔਰ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਓਡੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਓਝਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾ ਕੀਤਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਅਲਾਕਾ ਸਦਰਕ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਅਲਾਕਾ ਸਦਰਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੜੇ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਮ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਿਆ ਚਾਕ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਮਾ ਦੌੜ ਪਈਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਮਾਂ ਖਲੀਮਾ ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਮਾ ਆ ਪਾਈਏ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਆਪਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਤੜਪ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਰਫ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਦੌੜ ਪਈਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਆਵੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਵੇ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀਨੇ ਲਗਾਇਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱਥਾਂ ਚੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਚਿਆ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਦੌੜਦਿਆਂ ਕਰ ਆਈਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਸ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਆਖਿਆ ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸੁਬਾਹ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮੀਨਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਮੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਆਮੀਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਇੰਜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਚਲਦੀਆਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਆਮੀਨਾ ਐ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਆਮੀਨਾ ਮੈਂ ਖਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇਬਨ ਸਾਦ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾ ਉੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦੇ
अल्लाह वारिश पा दे। हुण तुसीं कहणा वी उन्होंने किवें पता सी, उह ते बुतां नूं पूजदे सन। उन्हां दा ई अकीदा सी वी इह जिहड़े बुत ने ना लात मनात ते उज़ा साडी इहनां अगे ते इहनां दी अल्लाह अगे, ये अल्लाह के बड़े मुकर्रब ने। उन्हां बुतां नूं डायरैक्ट खुदा नहीं सन मनदे, उन्हां नूं सजदा इस वजह तो करदे सन भी रब दे महबूब ने, ये खुदा इस वजह तो ने कि साडी अल्लाह तक पहुँचाउंदे ने। साडे विच भी कई लोग ऐसे ने जिहड़े आंदे ने साडी इहनां अगे ते इहनां दी। उन्होंने इंज किया, उन्होंने आख्या भी हूँ ये साड़ी नहीं सुनते, हूँ जे जिंदा वा यही दुआ करिए डायरैक्ट। जो दुआ कर लगे ना उन्हें आख्या भी दुआ करो ताकि बारिश पै जाए तो अब्दुल मुतलब घर आए, आवाज दी आमिना जी बाबा जी हुक्म करो। फरमाया मेरा पोतरा कितने? फरमाया मेरे को लियाओ मेरे नाल भेजो। नबी पाक नू तैयार करके ना अब्दुल मुतलब ने बाजू तो पकड़े, रावी बयान करता है ले जाके ना बैतुल्ला दे अंदर इंज मुस्तफा नू चुके है, आप दी कंड बैतुल्ला दे नाल लगा दी, कंड बैतुल्ला दे नाल लगा के आखे अल्लाह मैं ख्वाब अंदर वेखे है शहजादा तेनू बड़ा महबूब है, अल्लाह ये उस धरती ते रह रहा है जिते बारिश नहीं पै रही, अल्लाह रहमत दी बारिश दा नुजूल फरमा। रावी बयान करता है जे इंज चुके ही होया सी, नबी पाक दी कंड बैतुल्ला दी दीवार नाल लगी हुई सी ते गर्मी बड़ी शिद्दत दी सी, अचानक बादल दा टुकड़ा आया ते बरसना शुरू हो गया, इतना बरसिया के बैतुल्ला अंदर पानी ही पानी हो गया। ऐने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोस्तों की फरमाइश ते इशार पढ़ दे नबी दा जमाना हुंदा बख्त सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा नबी दा जमा तसव्वुर करो नबी दा जमाना हुंदा बख्त सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी मस्जिद नबवी विच नित आना जाना हुंदा नबी दा जमाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा जागरा ते लाडे विंदा जन्नती शहजादे विंदा जागरा ते लाडे विंदा ला जागरा ते लाडे विंदा जन्नती शहजादे विंदा चुम चुम सीने लांदा रासी दीवाना हुंदा नबी दा जमाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा तैबा दी गली विंदा उस्मान ते अली विंदा तैबा दी गली विंदा उस्मान ते अली विंदा सिद्दीक ते उमर नाल दिल दा यराना हुंदा तैबा दी गली विंदा उस्मान ते अली विंदा सिद्दीक ते उमर नाल दिल दा यराना हुंदा नबी दा जमाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा असा मेज़बान हुंदे मद
ਕਰਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਦਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ मैं मेजबान हुंदा मदनी मेहमान हुंदा किसे शाम साडे घर सोहने दा खाना हुंदा नबी दा जमाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा इन आम मैं तर जांदा ओए मदीने विच मर जांदा इन आम मैं तर जांदा ओए मदीने विच मर जांदा पड़दा जनाजा सोना इंज मैं रवाना हुंदा इन आम मैं तर जांदा जे मदीने विच मर जांदा पड़दा जनाजा सोना इंज मैं रवाना हुंदा नबी दा जमाना हुंदा नबी दा जमाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का पहन लो गले में कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर चाला वालिया हौले हौले कदम टिकाया कर हां गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले हां गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर छड़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगी गैर दी छड़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगी गैर दी काली कमली ओढ़ के हां काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका लिया कर काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका ले अकर हां गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर सोना ई मन मोना ई चन भी तेरा खिडौना ई सोना ई मन मोना ई चन भी तेरा खिडौना ई सोना ई मन मोना ई चन भी तेरा खिडौना ई मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया मां सदके जावे सोनिया एवें ना उंगली हिलाया कर मां सदके जावे सोनिया एवें ना उंगली हिलाया कर हां गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर मां सोहणे नूं सुरमा पावदी नाले ई फरमावदी मां सोहणे नूं सुरमा पावदी नाले ई फरमावदी मां जागद नैना वालिया मां जागद नैना वालिया मां जागद नैना वालिया इना कजला न पाया कर गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर न खेलन जाया कर